गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर थ्री, ए ब्राह्मिन एंड ए गोल्डस्मिथ। देखिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका हमने ट्रांसलेशन कर लिया है, समझ लिया है और इसके हार्ड वर्ड्स भी नोट कर लिए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सबसे सही आंसर को चूज कीजिए या चुनिए। तो फर्स्ट है, देखिए, वाज क्यूनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वाज क्यूनिंग, तो शातिर, क्यूनिंग यानी शातिर। शातिर कौन था? ब्राह्मिन, किंग, गोल्डस्मिथ, नन ऑफ दिस। तो शातिर दिमाग वाला कौन था? गोल्डस्मिथ, सुनार। तो हम सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द ब्राह्मिन लेफ्ट द गोल्ड प्लेट विद द गोल्डस्मिथ फॉर सेफ्टी, फॉर पॉलिश, फॉर रिपेयर, फॉर बोरोविंग मनी। ब्राह्मिन ने अपनी सोने की थाली सुनार के पास रखी थी, किस लिए? सुरक्षा के लिए, या उसके ऊपर पॉलिश करने के लिए, या उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, या उसके बदले पैसा उधार लेने के लिए। तो उसने अपनी सोने की थाली क्यों रखी थी? सुरक्षित रहे उसके पास, क्योंकि ब्राह्मण बाहर जा रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्ड स्मिथ वॉज, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार था, ए गुड मैन, ए वॉइज मैन, नॉट ए गुड मैन, नॉट ए वॉइज मैन। तो वो कैसा था? बुरा आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, द गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट ए गुड मैन। नेक्स्ट देखिए, When the goldsmith gave the Brahmin the brass plate, the Brahmin, जब सुनार ने ब्राह्मण को कांसे की थाली दी तो ब्राह्मण ने क्या किया? Rebuke him, उसको डांटा, फटकारा। Took him to the king, उसको राजा के पास ले गया। Beat him, उसको पीटा, या was silent, वो चुप रहा। तो जब सुनार ने उसको कांसे की थाली दी थी तो वह इसे देखकर चुप रहा, उसने कुछ नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, द ब्राह्मिन वॉज साइलेंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द ब्राह्मिन टोल्ड द गोल्ड स्मिथ दैट हिज सन हैड बिकम अ मंकी द गोल्ड स्मिथ, जब ब्राह्मण ने ये बताया कि तुम्हारा बेटा बंदर बन गया है, तब सुनार ने क्या किया? स्माइल्ड, मुस्कुराया, वॉज साइलेंट, चुप रहा, वेप्ट, रोया, क्वेरल्ड, लड़ाई करने लगा। तो गोल्डस्मिथ ने क्या किया? वह लड़ाई करने लगा ब्राह्मण के साथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी, क्वेरल्ड। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए, टिक और क्रॉस अगेंस्ट द ईच स्टेटमेंट। ये ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट है, इसमें आपको जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्राह्मिन टोल्ड द गोल्ड स्मिथ दैट हिज सन हैड बिकम ए मंकी। क्या ब्राह्मिन ने सुनार को यह बताया था कि उसका बेटा बंदर बन गया है?
तो ये स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, राइट कंडीशन. द गोल्ड स्मिथ बिलीव्ड द ब्राह्मिन. क्या सुनार ने ब्राह्मण का विश्वास कर लिया था, तो यहाँ पर आएगा नहीं. जब उसने बताया कि भाई तुम्हारा बेटा बंदर बन गया है, तो उसने ब्राह्मण का विश्वास नहीं किया था, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा. अल्टीमेटली द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द किंग कोर्ट एंड कंप्लेंट अगेंस्ट द ब्राह्मण. अंततः या आखिरकार गोल्ड स्मिथ यानी सुनार राजा के दरबार में गया और उसने ब्राह्मण के खिलाफ शिकायत की. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है. यहाँ पर भी हम टिक का निशान लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए, गोल्ड बिकम ब्रास इन हिज हाउस एंड द बॉय बिकम ए मंकी इन माई हाउस सेट द ब्राह्मण. सोना कांसा बन गया इसके घर में और लड़का बंदर बन गया मेरे घर में, यह ब्राह्मण ने कहा था. तो ये सही है, ब्राह्मण ने कहा था ये, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, राइट कंडीशन. एट दिस किंग पनिश्ड द ब्राह्मण. क्या इस पर किंग ने यानी राजा ने ब्राह्मण को कोई सजा दी थी, तो उस पर आएगा नहीं, क्रॉस कंडीशन, कोई सजा नहीं दी थी. तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्राह्मिन लीव हिज गोल्ड प्लेट विद द गोल्ड स्मिथ. जो ब्राह्मण था वह अपनी सोने की थाली सुनार के पास क्यों छोड़ना चाहता था, या उसने क्यों छोड़ी, क्यों छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे एक अर्जेंट काम था और वह कस्बे से बाहर जाना चाह रहा था, या उसको बाहर जाना पड़ रहा था, इसलिए उसने अपनी सोने की थाली सुनार के पास छोड़ी. तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, द ब्राह्मण लेफ्ट his gold plate with goldsmith because the brahmin had to go out of the town for an urgent piece of work. The brahmin left his gold plate. Brahmin ne apni sone ki thali chhod di with goldsmith sunar ke paas because kyunki the brahmin had to go out. Brahmin ko bahar jana pada tha of the town kasbe se for an urgent piece of work. Ek jaruri kaam ke liye. क्योंकि ब्राह्मण को एक जरूरी काम के लिए कस्बे से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए उसने सोने की थाली सुनार के पास छोड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड द गोल्ड स्मिथ एग्री टू कीप हिज गोल्ड प्लेट. क्या सुनार उसकी सोने की थाली को रखने के लिए तैयार हो गया. तो इसका आंसर आएगा यस, द गोल्ड स्मिथ रेडिली एग्रीड टू कीप द गोल्ड प्लेट. बिल्कुल हाँ, जो सुनार है वो आसानी से उस सोने की थाली को रखने के लिए तैयार हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डिड द गोल्ड स्मिथ से, व्हाट डिड द गोल्ड स्मिथ से टू ब्राह्मिन अबाउट कीपिंग द गोल्ड प्लेट. जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, उसने सोने की थाली रखने के लिए ब्राह्मण से क्या कहा. तो गोल्ड स्मिथ ने उसको आश्वासन दिया था कि उसकी सोने की थाली मेरे पास सुरक्षित रहेगी. द गोल्ड स्मिथ अश्योर्ड द ब्राह्मण. द गोल्ड स्मिथ अश्योर्ड द ब्राह्मण. गोल्ड स्मिथ ने यानी सुनार ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया दैट हिज गोल्ड प्लेट वुड बी सेफ, कि उसकी सोने की थाली सुरक्षित रहेगी. द गोल्ड स्मिथ अश्योर्ड द ब्राह्मण दैट हिज गोल्ड प्लेट वुड बी सेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड गोल्ड स्मिथ आस्क द ब्राह्मण फॉर हिज सन. सुनार ने ब्राह्मण से अपने बेटे के लिए क्या पूछा.
तो सुनार ने अपने बेटे के लिए क्या पूछा था कि वह उसके बेटे को पढ़ा देगा या उसको कुछ सिखा देगा या नहीं सिखाएगा, ये सुनार ने ब्राह्मण से पूछा था। द गोल्ड स्मिथ आस्क द ब्राह्मण टू कोच हिज सन। द गोल्ड स्मिथ आस्क द ब्राह्मण टू कोच हिज सन। अपने बच्चे को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए सुनार ने ब्राह्मण से पूछा था। द गोल्ड स्मिथ आस्क द ब्राह्मण टू कोच हिज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द मंकीज। आप बंदरों के बारे में क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट द मंकीज आर एक्सपर्ट इन कॉपिंग और लर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ मैन। हम जानते हैं कि जो बंदर होते हैं वो माहिर होते हैं इंसानों की गतिविधियों की नकल करने में या उनको सीखने में वो माहिर होते हैं। वी नो दैट द मंकीज आर एक्सपर्ट इन कॉपिंग और लर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द मंकी लर्न। मंकी ने क्या सीखा। तो मंकी ने क्या सीखा था, उसने इंसानों की गतिविधियों की नकल करनी सीख ली थी या उनकी नकल करनी सीख ली थी और जैसा ब्राह्मण कहता था वैसा करना भी सीख लिया था उसने। द मंकी लर्न हाउ टू इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज इन मैनी वेज। बंदर ने अलग अलग तरीके से इंसानों की नकल करना सीख लिया था। एंड और इट लर्न और उसने सीखा टू डू एग्जैक्टली व्हाट द ब्राह्मण वॉज टोल्ड। और उसने सीखा जो ब्राह्मण उससे कहता या जो ब्राह्मण उसको बताता बिल्कुल वैसा ही करना उसने सीख लिया था। द मंकी लर्न हाउ टू इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज इन मैनी वेज एंड इट लर्न टू डू एग्जैक्टली व्हाट द ब्राह्मण वॉज टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हाट डिड द ब्राह्मण टेल द गोल्ड स्मिथ व्हेन ही केम फॉर हिज सन। जब सुनार अपने बच्चे को लेने आया तो ब्राह्मण ने उससे क्या कहा। तब ब्राह्मण ने उससे क्या कहा था कि तुम्हारा बेटा बंदर बन गया है। द ब्राह्मण टोल्ड द गोल्ड स्मिथ दैट हिज सन बिकम ए मंकी, कि तुम्हारा बेटा एक बंदर बन गया है। द ब्राह्मण टोल्ड द गोल्ड स्मिथ दैट हिज सन बिकम ए मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हूज प्लान फेल्ड। किसका प्लान फेल हो गया था या किसकी योजना विफल हो गई थी। द गोल्ड स्मिथ्स प्लान फेल्ड, सुनार का प्लान या सुनार की योजना फेल हो गई थी, विफल हो गई थी। द गोल्ड स्मिथ्स प्लान फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल यू डू इफ समवन चीट्स यू। आप क्या करेंगे अगर कोई आपसे धोखा करता है या आपसे बेईमानी करता है या आपको ठगता है तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों देखिए, जब भी कोई हमसे बेईमानी करे तो ये जरूरी नहीं है कि हम भी उसके साथ बेईमानी करें। हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे और उसके जैसी बेईमानी नहीं करेंगे या जैसा उसने हमारे साथ बेईमानी की हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे, हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे। वी विल वर्क विद आवर विजडम। वी विल वर्क विद आवर विजडम या वी विल वर्क विद आवर इंटेलिजेंसी, हम अपनी बुद्धिमता से काम लेंगे। वी विल नॉट चीट दैट पर्सन, हम उस व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे। एज ही डिड, जैसा उसने दिया या जैसा उसने किया। तो ये है, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, सम प्रोफेशंस आर गिवन ब्लो, राइट द नेम ऑफ ईच प्रोफेशन, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर कुछ व्यवसाय दिए गए हैं और हर एक व्यवसाय के आगे उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट जो है आपके लिए दिया गया है, द पर्सन हु वर्क्स विद गोल्ड,
ये कौन होता है जो सोने का काम करता है, वो सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ। द पर्सन हु वर्क्स विद आयरन, जो लोहे का काम करता है वो होता है आयरन स्मिथ यानी लोहार। तो इसमें हम क्या रखेंगे, आयरन स्मिथ। द पर्सन हु वर्क्स विद वुड, जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कारपेंटर। यहाँ पर हम कारपेंटर रखेंगे। द पर्सन हु ब्रिंग्स मिल्क, जो हमारे घरों में दूध देकर जाता है वो कौन होता है, मिल्क मैन, दूध वाला। तो यहाँ पर हम मिल्क मैन रखेंगे। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर अस व्हेन वी आर इल, हमारी देखभाल कौन करता है जब हम बीमार होते हैं, या हमें कौन देखता है जब हम बीमार होते हैं, तो वो होता है डॉक्टर। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, डॉक्टर। इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को फिल करेंगे।